News 21 खबर सबसे पहले। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग इससे आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाले अब आएगा खाने में असली स्वाद। अयोध्या निर्बल इंडियन शोषित आमदल निषाद पार्टी द्वारा जनपद में हुए तमाम घटनाओं के बावजूद आपको प्रेषित पत्र में अभी तक कार्यवाही न होने से निषाद समाज के लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्नवत समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित। राजेश निषाद हत्याकांड कालीगंज थाना कोतवाली अयोध्या में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होना, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिया जाना, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना, ग्राम रजौली थाना तारून तहसील बीकापुर जिला अयोध्या में विद्युत करंट से ललिता पत्नी स्वर्गीय राजेश को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई, ग्राम रुक्ति विशेषण थाना तहसील बीकापुर जिला अयोध्या में विद्युत करंट से रमेश पुत्र की मौत पर अभी तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। अयोध्या के निवासी शिव कुमार हैं। मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अगर ये कहते हैं कि मैं रामराज की कल्पना करता हूँ तो यही रामराज की कल्पना है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी यहाँ अधिकारी हैं आपके वोटों को खा रहे हैं और खत्म कर देना चाहते हैं। इसी तरीके से गरीबों को परेशान करके जो आज गरीब दलित के लोग निषाद समाज के लोग राम की नैया पार करने वाले लोग ने आपको देश में प्रदेश में बनाए और ये अधिकारी जो आपके यहाँ के हैं ये आपके वोटों को चर ले रहे हैं। यही सब मैं इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। अगर मांग नहीं पूरी तो आगे क्या करें? अगर मांग नहीं पूरी होती है तो 2-3 दिन तक देखूंगा, तो अभी तो पानी पीऊंगा, उसके बाद पानी भी पीना बंद कर दूंगा। जब हमारा समाज ही नहीं खाएगा तो मैं क्यों खाऊंगा? मेरा समाज भूखा सोएगा, गरीब समाज भूखा सोएगा तो हम लोग क्यों खाएंगे? क्या मतलब है हमारे खाने का? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अधिकार है सबका कि जो है अपना मांग को रखा जाए, और मांग को रखा जा रहा है जायज तरीके से रखा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ लोग अभी आप आए थे रोड पे कोई नहीं था, आपके पीछे भी कोई नहीं था, सब लोग किनारे बेचारे बैठे थे अपनी मांग को लेकर। लेकिन हम निषाद जाते हैं इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हम ब्राह्मण में जन्म लिए होते तो इतनी घटना हुई होती, या क्षत्रिय में होते या वैश्य में होते तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी दे देते। और यहाँ के जो अधिकारी हैं मतलब रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं ठीक से, वो लगा दिए होते उनको आर्थिक लाभ मिल गया होता। जैसे आप देख लो हिंदू नेता को मारे थे मुस्लिम लोगों ने, दूसरे दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15-20 लाख रुपया उनके यहाँ भेज दिया। कई घटनाएं ऐसे हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं आपसे क्या बताना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं किए तो अभी तो 1-2 दिन जब तक होगा होगा, नहीं तो फिर हम पानी भी बंद कर देंगे। जो हमारे लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम जो है भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन मैंने कहा भैया 5-6-10 लोग हम लोग रहेंगे या जो हम लोग ठीक ठाक हैं, जैसे जो है सरकार की यहाँ खोलने के लिए अगर नहीं होता तो जो होगा देखा जाएगा। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है। कौन सी जगह? ये जलालपुर तिराहा है। ये